लाइए 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 लाइए। ओ नो, ओ यस मम्मी, ये दो चाय आपकी है। अच्छा, ये चाय वो मेरी। कौन सी तुम्हारी है? मेरी। अच्छा ठीक है, ले लो। यहाँ पर चल रहा है, ले लिया मैंने। अच्छा आपका लो। अच्छा अच्छा, ये दोनों फूफी भतीजी का तो ले लिया, दोनों एक ही कलर में हो रही हैं। अच्छा जी, वीडियो बन रही है वैसे आपकी? अच्छा वीडियो ऑलरेडी बन रही है, लेकिन ऐसी शक्ल थोड़ी दिखा रही हूँ मैं अभी वीडियो में। शक्ल नहीं तो आप पीछे से ले लें, ऐसे ले लो। नानी पैसे पैसे क्या होता है? अरे पैसे, अरे पैसे उधर ही रखो। पैसे आ रहा, आप लगी पड़ी है गाने में। अच्छा पैसे इसे मम्मी को दे दो, अब हटाओ, अब इसे हटाओ, ऐसा काम खत्म। और अभी मैं इसका दूध, बाय, अभी मैं इसका दूध बना रही तो मुझसे हाथ में से ले लिया। नहीं मम्मा, मम्मा पिलाएगी मेरी, आप मत पिलाओ। हाँ, चिज़ी। चिज़ी लगी तो घर पर वो इनकी मेनाज आंटी ने भेजी है, मेनाज आंटी ने। क्या, 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 ये ले लो, बहुत सारी चिज़ी आई है, कपड़े भी आए बहुत अच्छे अच्छे आए, कपड़े बहुत अच्छे आए आयल के, एकदम बढ़िया आयल भी तो बढ़िया है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जमजम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा खास काम नहीं कर रही थी, मम्मी कर रही थी एक्चुअली। भैया की अलमारी ना सारी ख़राब हो चुकी है, तो बस मम्मी उसे सेट कर रही थी, लेकिन ऊपर जो है ना अभी छुटकी गई है अपनी मालिश करवाने और नहाने के लिए, तो बाजी उसमें लगी हुई है, और उधर आहिल सो रहा था तो वो उठ गया है, तो दोनों बच्चे एक साथ शोर मचा रहे हैं। तो बाजी ने मम्मी को बुलाया था इमरजेंसी में, तो बस मम्मी कर रही थी तो मैंने कहा चलो अब मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं भैया के ही कपड़े सारे तय करके रख रही थी, तो मम्मी मुझे बता गई थी कि ऐसे ऐसे कर लेना, मैं कह चलो ठीक है, बैठे बैठे इतना काम करने में कुछ भी नहीं जाता, अच्छा ये थोड़े हाथ पैर हिल जाए। तो बस यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ, और अगर आप मेरी हेल्थ अपडेट पूछे तो अब मैं पहले से मतलब काफ़ी बेहतर हूँ, और पेन वगैरह तो अभी बहुत सारे हैं ही, लेकिन जो हालत पहले थी बिल्कुल ऐसे जैसे ऐसे ही लग रहा था जैसे मर ही जाएंगे, अब ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे और रिकवर कर जाएंगे। और मुझसे सब पूछते रहते हैं कि भाई बेबी की बर्थ डेट, तो मैंने ना गलती से अक्टूबर बोल दी थी, तो हाँ 20 सितंबर को बेबी आई थी इस दुनिया में। फिर मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने छठी कब की थी, तो लास्ट संडे जो था ना उस दिन छठी थी, और उसी दिन सारे दिल्ली वाले आए थे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा मामला ऐसे ही चल रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या कहते हैं लास्ट संडे थे ना, तो फिर वो एडिट करके सारी वो वीडियोज़ वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब नए ब्लॉग्स आएंगे बिल्कुल तरोताज़ा, तो आप उन्हें इंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग आयरा, सुबह के बजते हैं 7:45, आराम लेट हो जाते हैं, जल्दी कर लो। छोड़ू यहाँ पर लेती हूँ, इसे ना मैंने अपनी चद्दर में भी कर रखा है। ना 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 ना, ना उठाओ नहीं से, अब जल्दी से जाके ब्रश करो और नहाओ। और एक छोनू वहाँ लेटा हुआ है, छोनू के पापा काम पे गए हुए थे, रात को लेट आए हैं, तो शायद वहीं हैं पलंग वाले घर पे। चलो चलो जल्दी करो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल जमजम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल सुबह का टाइम है और मैं सुबह उठ गई हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को ना ये बच्चे परेशान करते हैं, ये छुटकी भी, अभी मैं इसे लेती हूँ, ये छुटकी भी और लेबा भी प्रॉपर परेशान करते हैं, नींद मेरी पूरी नहीं होती है। लेकिन आयरा के लिए तो उठना है, इसे तैयार करना है, नहाएगी या खुद ही इसे तैयार करना है, जल्दी करो आयरा, तो मैं इसे भेज दूँ, फिर आपसे बात करूँ।
वेलकम बैक। तो अब मैंने मतलब मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, मेरे चेहरे से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और आयरा जा चुकी है, उस टाइम पे शूट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयरा की जल्दबाजी होती है, ऊपर से ये छोटा बेबी है ये परेशान कर रहा था। तो बस फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और आयरा नहा धो के चली गई। आयरा को दादू ने ही नहीं लाया था और बस नाश्ता पानी उसने किया, ऊपर बना दिया था कुफी ने और वो चली गई। उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, सबके एग्ज़ाम्स हो गए, पता नहीं आयरा के एग्ज़ाम्स इतनी लेट नहीं होने समझ वाले। खैर बहरहाल फ़िलहाल तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने नाश्ते का क्योंकि मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। तो बस फिर थोड़ी देर में मेरा नाश्ता आएगा, फिर मैं नाश्ते करूँगी। हालाँकि मुझे नींद इतनी आ रही है, मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, लेकिन फिर क्या कहते हैं एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की। फिर मैंने कहा मेरी वजह से सब परेशान होंगे, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ ये बच्चे सोने देंगे तो सोऊंगी, वरना तो आप लोगों को पता है अब ये अगर अभी नहीं सोई तो फिर वो लिवा है, ये देखो लिवा लेटी हुई है, वो उठ जाएगी। लिवा का अलग रहता है, चुन का अलग रहता है, बल्कि आने वाले दिनों में ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे बाल अभी ऐसे हैं ना, मेरे बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे क्योंकि जब मैं अपने वाले रूम पे चली जाऊँगी तो फिर तो सारी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठानी है, बच्चे भी देखने हैं और उनका खाना पीना सब देखना है। वो चीज़ें पता नहीं कैसे कैसे हैंडल होंगी, तो अल्लाह ही बेहतर जाने, बस अल्लाह हिम्मत दे ताकत दे तो फिर वो सब चीज़ें भी करेंगे। सबसे ज़्यादा नींद का इशू रहता है क्योंकि नींद का इशू तो मुझे लिवा के ही टाइम तक रहता था क्योंकि ये लिवा रातों को भी रोने लग जाती है, बहुत परेशान करती है। तो मैं कई बार आयरा को स्कूल भेजने के बाद सोचती थी कि सो जाऊँ, लेकिन फिर ये नहीं सोने देती थी, ये चीज़ें थी। अब एक और मैडम आ गई, अब पता नहीं क्या ही होगी। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बच्चे पैदा करना और पालना आसान नहीं है, तो बस यही सब चलता रहेगा, अब देखते हैं क्या क्या होता है। और भूपी पता नहीं कितनी बार आके कितना प्यार कर करके जाती है, ये देखते करने लग जाती। चलो तो फिर अब मैं जब नाश्ता करूँगी तब मिलूँगी आपसे, ठीक है। अभी यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछ रही है तो छोनू को वहाँ लिटाल दिया है और दादी और आयरा प्यार कर रही हैं। छोनू की शक्ल नहीं दिखानी है, दादी को दे दो, आराम से मम्मी आराम से ले लेना। मुझे इससे डर ही लगता है आयरा से, लेकिन आयरा को पता नहीं। अच्छा तुम क्यों डरोगी, वो गिर जाएगी तो क्या होगा। अच्छे छोनू को नहलाने के लिए अभी आएंगी फुप्पी, मालिश करेंगी और नहलाएंगी। नहीं आयरा बार बार नहीं लेते, बार बार लेने से बच्चे गिर जाते हैं। और टाइम आप लोगों को दिख ही रहा होगा, 11 बज गए हैं। अभी लिबा भी नहाएंगी, आयरा तो नहा के ही गई थी स्कूल। रुको रुको रुको, तो यहाँ पर हमारी छोनू बेबी होके आई हैं रेडी। फूफी ने इन्हें बहुत अच्छे से तैयार किया है, बहुत प्यारी गुड़िया लग रही हैं। तो ये इसने वही फ्रॉक पहनी, अब थोड़ी थोड़ी से मौसम चेंज हो गया है, सर्दी आ गई है तो हमने ना इसे ये पहना दिए, ये वॉर्मर के साथ फ्रॉक पहना दिए।
तो इससे क्या होगा, बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने इसे बाल क्यों नहीं उतरवाए, तो हाँ वो भी अभी उतरवाने हैं, वो भी उतरवा देंगे जब टाइम मिलेगा मम्मी को, तो मम्मी लेकर आएंगी, वो घर पे ही आएंगे ना, तो बस उनसे बाल उतरवाने हैं, तो ये काम भी हो जाएगा सवा महीने के अंदर अंदर, आप कभी भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉपर डेट नहीं होती है, तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा भी मुझे आप लोगों से बात करनी थी, वो मैं अभी आपसे करती हूँ। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रही थी कि मुझे आपसे करनी है कुछ बात, वो बात ये करनी है कि मैंने ना अभी वीडियो डाला था परसों, कल वाला नहीं परसों वाला, तो जिसमें मैंने दिखाया था कि क्या गिफ्ट्स लाए हैं मेरे घर वाले, तो दीपा शो नहीं करो, तो उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स बताया था कि भैया लाए, ओ माय गॉड, उस पर तो इतना बवाल मचा है, इतना बवाल मचा है, काफ़ी लोगों ने, मतलब 90% लोगों ने ये कहा कि तुम झूठी हो, तुम ये हो, तुम बातें बना रही हो, और क्या कहते हैं, तुम्हारे भैया ने नहीं भिजवाए, तुम्हारी मम्मी ने भिजवाए हैं, तुम क्यों झूठ बोल रही हो, तुम क्यों बातें छुपा रही हो। तो मैं आपको बताना चाहती थी, झूठ बोलने की, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं कभी झूठ ही नहीं बोलती, झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है, बात यह है कि समझने की बात है। जैसे कि अब आप लोगों ने देखा अप्पी को शॉपिंग करते हुए, तो अप्पी तो सारी शॉपिंग कर रही थी, तो इसका मतलब सारा सामान अप्पी ने दिया है, नहीं ना, मम्मी ने पैसे दिए थे तो अप्पी शॉपिंग कर कर लाएं। इसी तरह से लास्ट टाइम पे अप्पी बहुत टाइम से कह भी रही थी, लास्ट टाइम पे अप्पी ने बोला मम्मी से कि ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए, जाओ ऊपर से लिया खाना, तो अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी दो मिनट शांत, अभी दे। तो फिर ये हुआ, मिनाज ने कहा कि अब लास्ट मिनट का ऑप्शन है, तो चलो हम ब्लिंकिट से कर देते हैं, और वो ब्लिंकिट में आए थे वो छोटे छोटे से पैकेट, दो दो से ग्राम के, तो वो अच्छे नहीं लगे, तो फिर क्या कहते हैं अपनी दोबारा शॉप से लेकर आई थी, रात को नहीं, शायद मॉर्निंग में, इस बात का मैं कुछ पक्का नहीं कह सकती कि रात को ही लाई थी या मॉर्निंग में लाई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि वो सुबह मॉर्निंग में ही लाई थी, तो वो सारे ड्राई फ्रूट्स लाई थी, हाँ अप्पी लाई थी, मम्मी ने कहा था, लेकिन वो पैसे भैया ने दिए थे और मुझे नहीं मालूम था, मम्मी ने ही बताया है कि ये ड्राई फ्रूट्स भैया ने भिजवाए हैं, तो अब इसमें झूठ और सच का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा भाई है मेरे लिए भिजवा सकता है, तो इसमें मैं झूठ क्यों बोलूँगी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि 10 मिनट की वीडियो में आप नहीं चीज़ें समझ पाते, पूरा दिन होता है, इतने सारे प्लान चेंज होते हैं। अब जैसे कि परवेज़ भैया के कपड़े जब अप्पी ने पहली वीडियो दिखाई थी सामान की, उसमें नहीं थे, है ना, उसमें और भी कुछ चीज़ें नहीं थी, फिर उसके बाद जब अप्पी रात को, एक दिन पहले रात को 9 बजे गई थी शॉप पर, तो अप्पी ने कहा था ना हम कुछ लेने आए, तो फिर वो नेक्स्ट डे परवेज़ भैया के, मतलब उसी रात को परवेज़ भैया के कपड़े। तो जब हम कहीं जाते हैं ना, तो प्लान्स बनते भी हैं, कुछ सामान रह भी जाता है, फिर वो आता है जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये मुझे लगता है सब घर में, हमारे लिए कुछ अलग नहीं हुआ है, सब घरों में होता है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं बस आपको यही समझा रही थी कि मैं क्यों झूठ बोलने लगी, भाई मेरे भाई ने भिजवाए हैं वो मेरे लिए, और मम्मी ने बताया है, मुझे कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का झूठ बोलने का। और रही बात भाभी को लेके भी, अब काफ़ी पहले से ही बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, अब और ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि वीडियो में नहीं देते उन्हें, या बच्चों को ले आते, या भाभी को नहीं पूछते। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है उन्हें नहीं है पसंद, नहीं है पसंद, नहीं है पसंद, अब आप पता नहीं क्या बुलवाना चाहते हो। रही बात वीडियो में आने या ना आने की, काफ़ी लोग कह रहे हैं, जो मेरे मतलब अच्छे सब्सक्राइबर हैं वो भी कह रहे हैं, वो भी बातें कर रहे हैं इन बारे में, इसीलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि पहले वो वीडियोज़ में आती थी तहजीब के रोज़े तक, वो वीडियो में आई हैं, उसके बाद ऐसा क्या हो गया, तो तहजीब के रोज़े के बाद ही वो दिखना बंद हो गया आप लोगों को, घर में दिखती हैं वो बच्चे दिखते, अगर कोई होगा तभी तो लाया जाएगा या वीडियो में दिखाया जाएगा, जब घर में कोई है ही नहीं तो हम कहाँ से वीडियो में आप लोगों को दिखाएं, या कहाँ से उनको बुलाएं, या क्या करें, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोग खुद देखते हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, वो अकेले रहते हों लिबा उम्र के इस मुकाम पर, और उन्हें एक मेड रखी हुई है 24 आवर्स की, जो कि सारा काम करती है, तो ये सब चीज़ें कोई शौक में नहीं करता, मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई होती हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे होते, तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों से निकल कर आती हैं। मैं अपने घर की बातें इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं करती, ना ही मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उन्हें बहुत कुछ जानना था, और जो नहीं पसंद करते उन्हें तो खैर ज़्यादा ही कुछ जानना होता है, तो मैं मोटी मोटी बात यही बताना चाहती हूँ कि वो घर में है ही नहीं, दिखते ही नहीं है, तो वो वीडियोज़ में कहाँ से आएंगी, या मैं लूँ या आप ही लें, तो वो चीज़ तो है ही नहीं ना, जब कोई है ही नहीं तो हम किसकी वीडियो बनाएं। तो बस यही आप लोगों को बात बतानी थी, अगर वो लोग होते तो ऑब्वियस ही बात है वो आते हैं। आप लोग अगर हमें शुरू से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ भी फंक्शन होता है, लिबा का बर्थडे था, सब लोग आए थे, क्योंकि थे घर में, अब घर में कोई है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो हम किसी के साथ कर ही नहीं सकते, है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। हाँ, फिर किसी ने ये कहा था कि मैंने ये बोलता ना कि भाई पे हक है, जैसे भाई के बारे में बात कर सकते हैं,
तो भाई पे हक है, तो किसी ने कहा कि भाभी पे हक नहीं है। तो ये तो मैं क्या जवाब दूँ, आप लोग खुद कमेंट करके जवाब देंगे कि अगर हर किसी के घर में आप लोगों का भाई पे ज़्यादा हक होता है या भाभी पे ज़्यादा हक होता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई से आप लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो, कोई बात कह भी सकते हो उनकी, कोई बात मतलब कुछ भी, आप एक फ्री होता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो वो चीज़ आप लोगों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ना हम कहते ना हमें मतलब किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई भी शौक है। किसी को नहीं पसंद ठीक है, एक डिग्निटी मेंटेन रखो, नहीं करते हम, लेकिन इन बातों पे फिर आप लोग बातें ना बनाया करें ठीक है। अब मैंने आपको हर चीज़ बता दी है, अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप लोगों को बातें करने की या बातें बनाने की ज़रूरत है। और उस पर भी अगर कोई बनाता है तो फिर बनाता रहे, और ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला आप कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ, तो मैंने आपको बता दिया। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई फ्रेश फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह।